what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. What's up guys, this is Varian Van Alpha, aap dekh rahe hain Van Alpha Vlogs. And ye humne ek chota sa setup kiya yahan pe, ek key light di hai, samne se focus light aa rahi hai. तो देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता. तो आज जो हम करने वाले वो है कि हमने एक कार्बनाडो का नया बैग मंगाया है एंड उस बैग की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये बैग अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है और इसके यूजेस क्या क्या हैं कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फंक्शन हैं. बट मैंने सोचा कि थोड़ा केसी नए स्टेट से ब्लॉग करते एंगल चेंज कर करके क्या पता ब्लॉग अच्छा बन जाए. तो इससे साथ क्या होता है कि जो हमने कार्बनाडो का बैग लिया उसका रीज़न ये था लेने का कि हमें एक हाइड्रेशन बैग चाहिए था जो कि हमारे ट्रिप्स वगैरह में बहुत काम करता है. और ये हाइड्रेशन बैग मुझे कार्बनाडो का चाहिए था बिकॉज मुझे कार्बनाडो का हार्ड सेल बैग बड़ा अच्छा लगा. जो मेरा टर्टल बैग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो वो जो टर्टल बैग है वो ऐसा दिखता है. सो गाइस, ये वाला जो मेरा बैग है कार्बनाडो का, दिस इज़ द टर्टल बैग, जो यहाँ पे ऐसे थाइस पे लगता है, जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी है. तो अभी इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने दूसरा वाला मंगाया है. जो दूसरा वाला है उसका नाम है YT07 और कार्बनाडो Y07. एंड वो कैसा है, क्यों है, उसको भी देखते हैं आगे. सो गाइस, ये है कार्बनाडो Y07. तो गाइस, ये है कार्बनाडो का Y07. दिस इज द सेम लाइक माय दिस टर्टल बैग, बट ये थाइस पे जाता है और ये बैक पे जाता है. बहुत ही कंफर्टेबल है. आगे इसमें जो क्लिपिंग है वो OGIO की तरह क्लिपिंग है, विच इज़ वेरी ईजी एंड सेफ टू ओपन एंड क्लोज. और फ्लेक्सीबल है जैसे आप देख सकते हैं. एंड ये स्ट्रैप्स हैं जो बहुत कम्फर्टेबल हैं. और ये ऐसा है बैग, हार्ड बैग है. ऊपर की तरफ सेम एक जिपिंग है बड़ी सी, जिसमें इतना हाथ तो घुस गया है. उसके ऊपर एक छोटा सा हार्ड शेल है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह, कैमरा, सेम उसकी तरह सामान रख सकते हो. एंड फिटिंग बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मुझे बिकॉज के स्ट्रैप बहुत बड़े हैं. वो बहुत ही, ये देख रहे हो, जबरदस्त फिटिंग लग रही है. मैं आपको अंदर जाके फिटिंग दिखाते हैं. हमें तो बहुत ही कातिल फिटिंग लग रही है. तो ये कुछ ऐसा लग रहा है. तो गाइस, पीछे से इसकी फिटिंग ऐसी है, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और मस्त लग रहा है बाइक पे, अच्छा लगेगा. गाइस कमेंट करके बताओ कि बैग कैसा लग रहा है. अपन का तो अच्छा लग रहा है. ये स्ट्रैप साथ में अटैच हो जाएंगे, इसको लूज करेंगे, उसके साथ ही पीछे टर्टल बैग. तो गाइस, एक टर्टल बैग ऐसा लगता है और दूसरा वाला तो मैंने आपको दिखा दिया जो पीछे से ऐसा लगता. तो मुझे लग रहा है अब इन सब के बाद तो कार्बनाडो को मुझे एक स्पॉन्सरशिप दे ही देनी चाहिए जितने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्बनाडो के. तो गाइज, ये थोड़ा सा अलग सा व्लॉग था. मुझे बताना आपको व्लॉगिंग का स्टाइल अच्छा लगा नहीं लगा. हमने कोशिश करी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में जाके शूट करने का और रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है. अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. एंड इसका जो रिव्यू है वो चलाने का, इसमें एक हाइड्रेशन बैग आता है, अलग से आता है, वो प्रिक्योर करना पड़ता है क्योंकि ये न्यू लॉन्च हुआ है. तो अभी तक इसमें हाइड्रेशन बैग जो था वो अभी तक हमें मिला नहीं है बिकॉज वो कंपनी ने अभी तक सेल नहीं किया है. जैसे मिलेगा यहाँ हाइड्रेशन बैग लगाएंगे, इसमें जो स्ट्रैप है इसके थ्रू आप डायरेक्टली पानी पी सकते हैं. इट इज़ मेजरली फॉर ऑफ रोडिंग, बट जो हमारा AGV का रेस सूट वगैरह उसके ऊपर भी पहन सकते हैं. इसके साथ गाइस एक रेस सूट और ऑर्डर हो गया है, उसकी डिटेल बहुत ही जल्दी चैनल पर आने वाली है. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सुपर बाइक्स विच वी हैव अनवील्ड, Ducati V4S, Yamaha R1000 एंड Ducati सुपर स्पोर्ट S. 4th वन लाइन में है, बट उसके लिए मुझे थोड़ी सी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जिसके लिए 100K करना बहुत ज़रूरी है.
जिस मोमेंट पे 100K होगा फोर्थ सुपर बाइक रिलीज होगी। बीच में एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक का भी प्लान है बट वो थोड़ा सा स्लो है बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट करो बढ़ाओ। एंड ये देखो कैसा अच्छा लग रहा है पीछे से। अब बाकी तो ब्लॉग में पता चलेगा राइड करते हुए कितना कंफर्टेबल है कितना कंफर्टेबल नहीं है फिटिंग वगैरह, बट ये तो बंद नहीं होगा क्योंकि 46 की छाती मेरा 16 का डोला, तो ये नहीं बंद हो सकता। हमने कोशिश कर लिया, फेल अटेम्प्ट बट नेवरदलेस गाइस स्टे ट्यून्ड, डू वॉच वैन अल्फा व्लॉग्स, शो योर लव, इसको फैला दो, वीडियो को आग लगा दो गाइस, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा जो मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा हो, जेन्युइन कंटेंट लाऊंगा। एंड कोशिश पूरी रहेगी कि हर एक या दो दिन में एक ब्लॉग डले, अगर नहीं डलता उसके लिए मैं अभी से सॉरी मांगता हूँ, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैं और मेरी टीम कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन में हम ब्लॉग डालें, अलग अलग बाइक्स पर डालें ताकि आपको सबके बारे में नॉलेज हो कि कौन सा है कैसा है। और मुझे बहुत लोगों ने आज DM करके बोला कि भैया हमने आपको यहाँ देखा वहाँ देखा, हम आपके पास आए नहीं बात करने के लिए क्योंकि हम शर्मा गए थे। तो गाइस शर्माओ मत, अगर आपको मैं कहीं देखता हूँ प्लीज़ आके आप अप्रोच करो, एंड हमें भी अच्छा लगता है कि हमें कोई एक्नॉलेज करता है, कोई आके मिलता है, कोई इज्जत देता है, अच्छा लगता है। तो आप लोगों से वो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रन हूँ। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको ठोको ठोको, क्योंकि अगली वीडियो जो है वो 200 200 200 की जगह आएगी 300 300 300। पीस आउट।